नाम है, कितनी क्लास में पढ़ती हो आप? फोर्थ क्लास में पढ़ती हो ना आप? अच्छा, और ये अपना भाई, छोटा मेरा भाई। तो है गाइस, मेरा चैनल है अभिथा आर्ट्स, तो जल्दी से मेरे को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर दबाना। हाँ, हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हो गए हमें 2 दिन पठानकोट पर घूम घूम के परेशान हो गए। तो आज हम लोग कल धर्मशाला वापस जा रहे हैं, तो हमने सोचा आज नानी को मिलने जाएं। यहाँ से कम भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रहती है नानी, जस्ट गांधी चौक के आगे। पर हमने सुना नानी वहाँ पर है नहीं, तो नानी गई होगी सुलैली। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरे भाई, हम लोगों ने प्लान किया नानी को वहाँ पर सुलैली में जाकर वहाँ से लेके आए। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नानी को लेने के लिए सुलैली। तो चलो कंचन, चलते हैं ना भाई, जा रहे हैं। चलो चलो, चल चलते हैं ना, लेट ना हो जाए। वैसे भी ऑलरेडी 1:45 हो गए, तो हमें कम से कम 2:30 तो बच जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ से कम से कम भी 40 किलोमीटर बताया हुआ गूगल में। तो हमको, हाँ, 40 किलोमीटर बताया हुआ, क्योंकि हमने तो पंजाब होके जाना है, और वहाँ से हम लोग जा नहीं सकते जसूर नूरपुर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, धूल मिट्टी बहुत है। रेडी ना? चलो ठीक है, चलो। अपने भाई और बहन तो आगे के निकल गए, सीढ़ी थोड़ा डेंजरस है यहाँ पर। भाई ने तो बाइक निकाल दी बाहर, और सिस्टर के बाहर स्कूटी निकालने। सिस्टर कह रही कि स्कूटी चलाओ, अब मुझे चलाना पड़ेगा स्कूटी। स्कूटी चला चला के मैं थक गया हूँ, वो अपनी सिस्टर चला रही स्कूटी। अब तो भाई 1 घंटे के बाद हम लोग धार पहुँचे हैं। अभी 1 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से, क्या बोलते हैं, पठानकोट से, और 1 घंटे में हम लोग धार पहुँच गए। अब देखिए कितना घंटा लगता है आगे, क्या बोलते हैं, सुलैली पहुँचने के लिए। देखिए गाइस, अपना सिस्टर आ रहा है पीछे। आज तो सिस्टर तो वो फुल राइडर बनी हुई है, खतरनाक राइडर है भाई। 60-70 की स्पीड में दौड़ा रही थी, पता स्कूटी 60-60 की स्पीड में आपसे दौड़ा नहीं जाता, ये पब्लिक कैसे दौड़ा रही है इतना तेज यार, मैं तो डर गया यार थोड़ी देर में। अपनी सिस्टर तो खतरनाक राइडर है भाई, मैंने कभी देखा नहीं इनको राइड करते हुए, पहली बार देखा इनको, खूब तेज चला रही। देखो अभी आगे भागे फिर से। तो फाइनली हम लोग गाइस पहुंचे हैं, पता कहां पर पहुंचे हम लोग? चक्की में। चक्की बोले तो चक्की से जो ये जो दिख रहा है ना नदी, इसके परले साइड पड़ता है हिमाचल, और वहाँ पर है सुलैली, वहीं पर जाने वाले हैं हम लोग। और जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं ना, ये है पंजाब। हमारे भाई और हमारे सिस्टर यहाँ पर रुके हैं, बोले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इस ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को ना। हम लोग आ चुके हैं हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में। ये जो पुल है, ये पुल से पार पड़ जाता है हिमाचल, ये पुल से इस साइड पड़ जाता है पंजाब। तो हम लोग पंजाब होके आए थे, तो 1.5 घंटे में हम लोग इस पुल पर पहुंच गए। अब 15-20 मिनट हम लोग सुलैली पहुंच जाएंगे गाइस। चलो भाई चलते हैं, स्कूल को कहते हैं अलविदा। यहाँ पर स्कूल बस भी आ रही है यार, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर स्कूल बस भी आती होगी, क्योंकि जो है बहुत रिमोट है ना, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर स्कूल बस भी नहीं आती होगी, पर आती है स्कूल बस भाई। चलो सुलैली चलते हैं, 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से सुलैली, तो यहाँ से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमको। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं देवराड़ी गाँव में, ये रहा देवराड़ी गाँव, काफ़ी कुछ बदल गया बहुत सालों में यार। हम लोग लोहारपुर जा रहे हैं, वैसे सुलैली पहुंच गए हम लोग, सुलैली बाजार में नहीं गए, लोहारपुर जा रहे हैं अभी। देखते हैं अगर टाइम मिले तो सुलैली बाजार में जाएंगे, नहीं तो हम लोग अभी नानी को लेने लोहारपुर जा रहे हैं। फाइनली गाइस, हम लोग 2 घंटे के बाद पठानकोट से यहाँ पर सुलैली पहुँच गए, मतलब लोहारपुर चौक। अब कंचन जाएगी, हमारी सिस्टर जाएगी नानी को लेने उसके घर, क्योंकि हम लोग थोड़े शर्मीले हैं, हम लोग जाएंगे नानी के पास। अब ये जाएगी नानी को लेने के लिए। गाइस फाइनली अपनी नानी आ चुकी हैं, नानी वहाँ पर अपने भाई के साथ बैठे हैं बाइक में, और यहाँ पर है राशन, हमने खाना भी खा लिया। एक्चुअली ये मंदिर है, मंदिर पर मतलब भंडारा लगा हुआ, भंडारा में हमने अपना लंच भी कर लिया, अच्छा लगा। अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, पर 1.5 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया, चलते हैं।
सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंचा हूं अपने नानी के घर में। नानी उस साइड बातें कर रहे हैं और ये अपनी सिस्टर है। क्या नाम है तुम्हारा? इशिका थापा। इन बड़ा प्यारा नाम है। कितनी क्लास में पढ़ती हो आप? फोर्थ क्लास में पढ़ती हो ना आप? अच्छा। और ये अपना भाई, छोटा मेरा भाई। तो हे गाइस, मेरा चैनल है अबिथावा आर्ट्स, तो जल्दी से मेरे को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर दबाना। हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा है बेचारा। मैं कम से कम 15 साल के बाद आया इनके घर में इनसे मिलने के लिए। काफी खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर और डिनर भी किया साथ में बैठकर। मजा आया भाई। तो गाइस, कल रात को मैं नानी के घर गया था, पर नानी को लेके आया था लारपुरा से। पर रात को हम लोग इतने बिजी थे कि ब्लॉग नहीं बना पाया। आज हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला वापस, क्योंकि हमने ऑलरेडी 4-5 दिन स्पेंड कर लिए यहाँ पर। आज मैं मोटो ब्लॉग नहीं बनाऊंगा यहाँ से लेकर क्या बोलते हैं धर्मशाला तक का, क्योंकि जब रास्ता इतना ख़राब है तो बहुत दिक्कत आती है उसमें, मतलब ब्लॉग बनाने को। तो मेरा हैंड भी शेक होता है, मोबाइल भी शेक होता है, तो थक जाते हैं 4 घंटे जब हम ट्रैवल करते हैं तो बाइक के साथ। तो गाइस, चलते हैं अब धर्मशाला की और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।